उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2008 में एक युवक शहर की चमक छोड़कर अपने गांव लौट आया। छोटे से गांव में उसने एक स्कूल खोला। आज से 13 साल पहले उसने बच्चों को जैसे पढ़ाना शुरू किया, वो आज भी बड़े बड़े शहरों के स्कूल में संभव नहीं हो पाया है। इसका नतीजा ये हुआ कि उस छोटे से गांव के बच्चों को गांव में बैठकर पूरी दुनिया की बेस्ट स्टडी प्रैक्टिस करने का फायदा मिला। देखते हैं। दो एकम दो, दो दुनी चार, पृथ्वी है गोल, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा अधिकार, इन सभी बातों को हमने पढ़ा है और सभी शिक्षक सभी स्कूलों में इसे पढ़ाते भी आ रहे हैं। लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी यह है कि हमें व्हाट टू नो तो पढ़ाया जाता है, लेकिन हाउ टू नो इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। तो आज हम आपको एक ऐसे ही शिक्षक से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने व्हाट टू नो पे फोकस ना करते हुए हाउ टू नो पे फोकस किया। आमतौर पर जिन स्कूलों में आप ब्लैक बोर्ड देखते हैं, वहाँ इस स्कूल की दीवार पर प्रोजेक्टर लगा हुआ है। शिक्षक के हाथ में चौक के बजाय वीआर बॉक्स है। कुछ साल पहले आते तो बुलंदशहर के चिड़वास गांव के स्कूल में ना तो इतने बच्चे मिलते, ना इन्हें अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से पढ़ाने वाले गुरुजी फिरोज खान मिलते हैं। आप रोशनी के सामने ले गए आओगे। फिरोज खान ने किताबी शिक्षा को डिजिटल बना दिया। स्कूल के बच्चे अब पन्ने कम पलटते हैं, प्रोजेक्टर पर पाठ ज्यादा समझते हैं। ICT का मीन्स होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि मुझे किसी विशेष पद्धति से यहाँ पर पढ़ाना है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर आगे देखा तो एक तो यहाँ रूढ़िवादी समाज था जिसमें लड़कियों को आसानी से विद्यालय नहीं भेजते थे, और दूसरी दिक्कत यहाँ ये भी थी कि बच्चों को भी पढ़ने से रुचि नहीं थी। तब मुझे एक ऐसा चैलेंज आया कि मुझे बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए पढ़ाने के तरीकों में बदलाव करना था। तब मैंने ICT का इस्तेमाल किया और कंप्यूटर के द्वारा बच्चों को एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाना शुरू किया। फिरोज खान ने ICT तकनीक की शुरुआत 2008 से की। उस दौरान विद्यालय में बिजली तक की सुविधा नहीं थी और वो दौर भी 2G इंटरनेट का था। ऐसे में फिरोज ने बदलाव की नींव रखी और इस गाँव को उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा स्कूल दिया जो पूरी तरह से डिजिटल। फिरोज खान के पढ़ाने के तरीके ने स्कूल की सूरत और चिड़वात का भविष्य दोनों बदल दिया। शुरुआत में जब मैं यहाँ आया था स्कूल में, तो अभिभावक बच्चों को स्कूल से ज्यादा खेतों में काम कराना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो कुछ होती नहीं है, और लड़कियों को लिए तो वो ये सोचे बैठे थे कि इन्हें तो बस चोला चौकी करना है। मुझे उनकी सोच बदलनी थी, इसलिए मैंने पढ़ाई को अलग तरीके से पढ़ाने का निर्णय लिया। फिरोज खान हर एक विषय को लैपटॉप, मोबाइल, VR बॉक्स, प्रोजेक्टर, कैमरा और अन्य डिजिटल उपकरणों से बच्चों को पढ़ाते हैं। हर विषय को ई कंटेंट के रूप में तैयार कर लिया है, चाहे वो किताब हो या फिर कोई नोट्स। फिरोज खान ने बच्चों के लिए साइंस और इतिहास जैसे विषयों को कहानी के माध्यम में तैयार किया है, जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो। फिरोज खान ने पढ़ाने का तरीका तो निकाल लिया, लेकिन एक चुनौती इससे भी बड़ी थी, बच्चे स्कूल आए तब तो पढ़ाएं। बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमने घर घर जाके उनके माता पिता से संपर्क किया, उनको समझाया कि भाई हमारा स्कूल है, इसमें आपको ड्रेस फ्री मिलेगी, खाने की भी व्यवस्था है, अच्छी किताबों की भी व्यवस्था है, और इसके साथ साथ हम बच्चों को बिल्कुल नए तरीके से पढ़ा रहे हैं, एक नया तरीका जिससे बहुत आसानी से बच्चे समझ जाएंगे। इधर दूसरी ओर जब बच्चे एक बार स्कूल आने लगे और उनको एंटरटेनमेंट मिलने लगा, जिन बच्चों के घरों में कभी TV तक नहीं था, अब वो डिजिटल क्लास ले रहे हैं, तो उनका एंटरटेनमेंट बढ़ने लगा। इस तरीके से बच्चों का और उनके अभिभावकों का दोनों का ही लगाव स्कूल से जुड़ा। फिरोज खान अपनी पढ़ाने की टेक्निक के कारण पहले भी तारीफ पा चुके। 2012 में यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की ओर से आयोजित इनोवेटिव टीचर लीडरशिप अवार्ड यानी ITLA में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया।
ITLA एक ऐसा अवार्ड है जो ICT के क्षेत्र में चुनिंदा शिक्षकों को दिया जाता है। फिरोज खान के पढ़ाने का तरीका रंग ला रहा है, बच्चे स्कूल भी आ रहे हैं और इन्हें पढ़ने में मजा भी आ रहा है। पहले सर हमारा स्कूल बहुत हिंदी मीडियम था, हम हिंदी में पढ़े याद करते थे और अब स्पीकर की वजह से हम इंग्लिश में टेबल याद कर पाते हैं। हम पहाड़े हिंदी में याद करते थे और ब्लैक बोर्ड पर लिख कर चौक से और पेंसिल से कॉपी पर लिख कर, लेकिन अब हम मोबाइल से लैपटॉप से स्पीकर की मदद से अब हम इंग्लिश में याद कर पाते हैं और हमें बहुत फोकस होता है। फिरोज खान फिलहाल नए ई कंटेंट बनाने के साथ साथ 3D ई कंटेंट और होलोग्राम के लिए काम कर रहे हैं और इनका सपना है कि गांव की कक्षाओं में साक्षात ब्रह्मांड ला सके। फिरोज भाई नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। नमस्ते सोनू सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस कार्यक्रम के थ्रू आपसे रूबरू होने का मुझे मौका मिला है। एक दशक से ज्यादा हो गए हैं आपको गांव में पढ़ाते हुए, क्या बदल सका उस समाज में? जी सर, सच कहूं तो इस तेरे साल में मैंने वो बदलते देखा है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। कल तक जिस गांव में बच्चे खेतों में जाना ज्यादा पसंद करते थे, उनके परिजन स्कूल में बच्चों को नहीं भेजते थे, आज यहां पर एडमिशन के लिए बच्चों की लाइन लगी रहती है। आजकल के जो हमारे अभिभावक हैं वो प्राइवेट स्कूल की जगह हमारे सरकारी स्कूल में बच्चों को लाना चाहते हैं। आपके पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वो औरों से अलग कैसे हैं और अब कहां कहां पर हैं? जहां आज भी बच्चे एजुकेशन में स्ट्रगल करते हैं, उन्हें पढ़ने में बहुत ज्यादा दिमाग और मेहनत लगानी पड़ती है, हमारे बच्चे बहुत आसानी से ICT के थ्रू, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत आसानी से समझ जाते हैं। पहले बच्चों को यह समझना बड़ा मुश्किल होता था कि पौधे सांस कैसे लेते हैं, लेकिन हम एनिमेशन के थ्रू उनके जितने भी कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर कर देते हैं और हमारे बच्चे किसी कंपटीशन में मात नहीं खाते। आज हमारे बच्चे आर्मी पुलिस, यहाँ तक कि इसी स्कूल का एक स्टूडेंट जो मुझसे पहले था कभी यहाँ पर इसी विद्यालय में, वो इसरो में भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही कमाल का काम करते रहिए। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।